हृदय में बैठी है, एकदम द्वेत करती है, एकदम दूसरे को सलाह देती है, दूसरे को सिखा देती है और उपदेश आप न करे आवत जावत जन्मे मरे। और उपदेश उपदेश नहीं करो, मैं बोलता हूँ अपनी भूल पकड़ना मेरी वाणी से, आज से सुनो कुछ भी नहीं, याद भी नहीं करो, तोता भी न बनो, पर मेरे को ऑब्जर्व करो तो भगवान कहाँ से बात करता है। ऑब्जर्वेशन पावर इसमें बढ़ेगा, ज्ञान से दूर दृष्टि हो जाएगी। जैसे सर्च लाइट होती है कितनी, कोई लाइट घर में रोशनी देती है, कोई लाइट रोड में रोशनी देती, कोई तो बहुत दूर से भी रोशनी देती है जो प्लेन चलते हैं, कितनी उसको रोशनी मिलती होगी जो इतने अंधेरे में चलाते हैं। आप भी दूर दृष्टि में चले जाओ, छोटी दृष्टि जो हमारे बाप ने किया मैंने किया, किसने बोला, गीता में बोला तो भाई अर्जुन जो मरे तू अशोक रहना, शोक नहीं करना, तो तुमने क्यों बोला मेरा बाप मरा मैं पितर खिलाऊं, इसीलिए बोलते तू भी पितर लोक में जाएगा, तू भी पितर होके मरेगा, पितर को देखने वाला पितर बनेगा। आगे मरना ही नहीं है, खुद ही करो पितर लोक में, तुम अभी जाओ ना, अभी वापस वाली ब्रह्म लोक में आ जाओ। नहीं बाबा, इनसे पूछे गीता आपने पढ़ी है, और गीता में ही लिख रहा है कि जो भूत को मैं कभी खाता हूँ क्या, मैं तो नहीं रह रही हूँ, मैंने तो कभी खाया नहीं है, दूसरे लड़के को बिठा के जाएगा तू मर जाए, वो ऐसी रमस करता था, कहाँ भी बनने की टाइम आएगा ना कुर्सी की तो कुर्सी छोड़ के वो चिप जाएगा, अंतर ध्यान कहाँ भी इसको कुर्सी में नहीं बैठने का है, ऐसे साधारण में देखो ये प्राइवेट घर है, इधर कोई संत महात्मा नहीं आ सकता है, तो हमारा जब भी सत्संग होता है किसी क्लब में किसी आश्रम में किसी जगह में किसी मंदिर में हम नहीं करते हैं, हमें इस प्राइवेट घर में सत्संग करते हैं, जिधर कोई भी बेवकूफ आदमी ना के बैठे जो ज्ञान लेगा सुनेगा पर उनसे जाके पैसा कमाएगा तो पाप हमारे ऊपर आएगा, इस ज्ञान से ऐसे को ज्ञान नहीं देगा जो वो जाके पैसा कमाए वो मेरे ऊपर पाप है, मेरे ऊपर पाप है तो मैंने ब्राह्मण को ज्ञान क्यों दिया जिसने जाके लोगों को ठगा गीता सुना के अर्थ सुना के, ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, ये लोग हफ्ते में इतना सयाना बन जाएगा जिसकी कोई हद नहीं, पर जाके कोई इसकी करेगा आरती, कोई बोलेगा तू क्या नहीं है, तू क्या नहीं है, तुम्हारा नाम अच्छा लगता है, तुम्हारा ज्ञान अच्छा लगता है, अहंकार चल गया। तो ज्ञानी ध्यानी नर्क परे, ज्ञानी ध्यानी दोनों नर्क में जाएगा। आए नो ज्ञानी, ध्यानी मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, तो भगवान सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है,